हॉकी फेडरेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी पड़ गई। साबिक ओलंपियन नवीद आलम डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड गेम्स डेवलपमेंट के ओहदे से हटाए जाने पर नाराज। नवीद आलम ने सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज सीनियर को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं, हॉकी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और पीएचएफ कांग्रेस का मुंतखब नुमाइंदा हूं। मुझे इसलाह करने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। मेरा हक है कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस को भी डिफेंड करूँ और उसके आइन को भी डिफेंड करूँ। तो शहबाज सीनियर की जो इंक्वायरी के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, इस टाइम पे शहबाज सीनियर नो मोर सेक्रेटरी, वो इस एलिजिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान हॉकी की फेडरेशन को रन कर सके। साबिक ओलंपियन का मजीद कहना था कि हरासमेंट केस में शहबाज सीनियर के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी, अगर वो इंक्वायरी से क्लियर हो गए तो सजा का हकदार हूँ। हॉकी को बचाने के लिए पीएचएफ हाउस का इजलास बुलाया जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज।